नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो घर का एयर कंडीशनर है वो कैसे काम करता है, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि हमें एयर कंडीशन सेलेक्ट करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सिर्फ रूम के साइज के हिसाब से ही नहीं, बाकी कई और चीज़ों का ध्यान रखना होता है एसी खरीदते हुए, कि हमारे घर को कौन सा एसी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देगा और जो कूलिंग इफेक्ट को बरकरार रख सकेगा। और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन वक्त भी हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एसी का इंस्टॉल जब हम करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों पर भी हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसी काम कैसे करता है, और एसी काम कैसे करता है ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एसी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए, एसी तो दो टाइप के होते हैं, एक विंडो एसी और एक स्प्लिट एसी। अब दोनों का मेन फंक्शन तो सेम है, पर इनका जो 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 स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। विंडो एसी में जो होता है आपका कंबाइंड सिस्टम, जो आपका सारा सिस्टम होता है वो सिर्फ एक बॉक्स में, एक कंटेनर, एक चेज में बंद होता है, और जो आपका स्प्लिट एसी है उसको स्प्लिट कर दिया गया है, उसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक कूलिंग वाला पार्ट है जो रूम के अंदर लगता है, एक जो हमारा हीट को बाहर निकालता है वो बाहर लगता है। जो इंडोर है उसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक ब्लोअर होता है, ब्लोअर जो आपके उसके अंदर की हवा को रोटेट करता रहता है, रूम की हवा को, और दूसरा इवेपरेटर जो हवा को कूल करने के काम आता है। और जो हमारा आउटडोर होता है वो हमारा घर के बाहर लगा होता है। तो इन दोनों, बस स्प्लिट एसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें दो हिस्सों में बांट दिया गया उसको, और विंडो एसी में सारा कुछ एक ही बॉक्स में, एक ही जो हमारा यूनिट है उसमें ही सारा कुछ असेंबल होता है। तो स्प्लिट एसी में ये दोनों जो यूनिट है आपस में एक ट्यूबिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसमें से हमारा गैस फ्लो होता है। तो बेसिकली जो पार्ट्स है इसमें वो क्या क्या होते हैं, एक कंप्रेसर होता है, एक कंडेंसर होता है, एक इवेपरेटर होता है, एक एक्सपेंशन वेल्व होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर फ्रियोन गैस भरी होती है। फ्रियोन गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है, अगर वो हाई प्रेशर में आता है तो वो गर्म हो जाता है, लो प्रेशर में आता है तो वो ठंडा हो जाता है। जैसे कि आपने कभी थीनर वगैरह यूज किया होगा, क्योंकि आप देखेंगे अगर एक कंटेनर बंद है तो उसके बॉटल का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं, ठंडा नहीं होगा, और जैसे ही आप उसको स्प्रे करते हैं, हाथ पे लाते हैं, जैसे ही वो एटमोसफेयर में आता है उसका प्रेशर लो हो जाता है क्योंकि वो फैल जाता है, तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारे एसी में गैस को एक तरफ से कंप्रेस किया जाता है और दूसरी तरफ से वो सक्शन स्टार्ट होता है कंप्रेसर का, तो दूसरी जो हमारा इवेपरेटर है वहां पे एक टेम्परेचर लो हो जाता है और वो कूल होता है। तो एक कंप्लीट प्रोसेस से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करना शुरू करेगा, एक तरफ से एयर को सक करेगा और दूसरी तरफ से डिस्चार्ज करेगा। तो डिस्चार्ज वाली साइड पे हाई प्रेशर होता है और गैस के रूप में होता है वो, वेपर्स के रूप में। तो बहुत हाई प्रेशर जो हमारा ट्यूब होता है उसके बाद वो कंडेंसर में जुड़ा होता है। जो हमारा कंडेंसर होता है वो आउटडोर यूनिट में लगा होता है, अगर विंडो एसी देखे तो एसी के बैक साइड में लगा होता है, जो रूम के बाहर होता है, बाहर की साइड होता है, और जो हमारा स्प्लिट एसी है वो आउटडोर यूनिट उसका तो ऑलरेडी अलग होता है। तो जैसे ही हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं, हमारा सिस्टम ऑन करते हैं, तो कंप्रेसर ऑन होता है और वो गैस को कंप्रेस करना शुरू करता है, क्योंकि वो बहुत हाई प्रेशर में होता है तो हमारा जो गैस होता है वो, उसकी पाइप भी बहुत गर्म हो जाती है, और गैस बहुत गर्म हो जाती है तो वो गर्म गैस जो है वो हमारे कंडेंसर में जाता है। तो आपने देखा होगा कभी कभार जो एसी के पीछे से, जो एसी का विंडो एसी उसके बैक साइड से या फिर आउटडोर से गर्म हवा निकलती है। ये जो गर्म हवा होती है वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा कंप्रेस्ड गैस जा रही है, जो हाई प्रेशर में जा रही है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है जो गैस की प्रॉपर्टी है, उस वजह से। तो वहाँ पे जो कंडेंसर होता है वहाँ पे एक फैन लगा होता है जो नॉर्मल एटमोसफेयर का जो एयर है उसको उसके बीच से निकालता है। ऐसे में होता क्या है, देखिए हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा हाई हाई साइड से लो साइड पे आती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कंडक्ट करती है वो। तो जो जो नॉर्मल एटमोसफेयर का जो हमारा एयर है जब उसके बीच से गुजरता है तो वो क्या करता है, जो हमारा कंडेंसर का हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो धीरे धीरे कंडेंसर हमारा ठंडा होना शुरू हो जाता है और जो सारी हीट है वो एयर के थ्रू बाहर निकलती जाती है। और जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है कंडेंसर में, आप देखेंगे जो गैस है वो धीरे धीरे ठंडी होती जाती है, वो जो ठंडा होते 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 वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। शुरू में हाई प्रेशर गैस था और नीचे आते आते हाई प्रेशर लिक्विड हो जाता है, फिर वो लिक्विड गैस पाइप के थ्रू हमारा इंडोर के लिए निकलना शुरू हो जाता है। अगर अब दो स्प्लिट एसी की बात करें तो वो इंडोर की तरफ जाता है एक ट्यूब के थ्रू, और उस गैस से क्या होता है, अब वहां पे इंडोर में इवेपरेटर में जाने से पहले कोई बड़ा यूनिट है, अगर बहुत बड़ा यूनिट है 3-4 टन 5 टन बड़े लेवल पे बात करें, तो वहां पे हमारा एक्सपेंशन वेल्व यूज होता है जो उसके जो हमारा फ्लो है गैस का उसको कंट्रोल करता है कि डायरेक्टली ना चला जाए। जो छोटे यूनिट होते हैं उनमें हमारा ड्रायर लगा होता है। ड्रायर क्या करता है, वो सबसे पहले ये देखता है कि जो जो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है वो गैस वहाँ पे, उसमें
कोई फिल्टर, एक तरह से फिल्टर भी बोलते हैं उसको, ड्रायर भी बोलते हैं, वो क्या करता है अगर कोई मॉइस्चर है उसका तो आगे वो पास नहीं होने देता, उसको वहीं पर रोक लेता है, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में गैस जाती है। और ड्रायर के बाद हमारी जो पाइप की जो थिकनेस होती है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। अब देखिए ये पतली पाइप का मेन पर्पस यहाँ पे काम क्या हो रहा है, वो दो तरफ का टेम्परेचर प्रेशर को डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। देखिए अगर डायरेक्टली एक ही पाइप डायरेक्टली इवेपरेटर पे लगा होता तो क्या होता, दोनों का प्रेशर जो है वो सेम रहता। अब पतली पाइप है उसके थ्रू होके जा रही है, उसके बाद जब निकलती है वापिस मोटे पाइप में जो हमारा इवेपरेटर है, तो वहां पे क्या होता है एक तरह से वो हमारा स्प्रे की तरह काम करता है। और जैसे ही वहां स्प्रे की तरह निकलता है तो क्या होता है वो टेम्परेचर उसका लो हो गया गैस का, तो वो एकदम एकदम ठंडा हो जाता है हमारा जो इवेपरेटर है। और अंदर भी हमारे यूनिट में एक फैन लगा होता है, ब्लोअर बोलते हैं जिसको, वो हमारे जब घर की हवा को सर्कुलेट करता है वो हवा इवेपरेटर के साथ होके गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो रूम है रूम की एयर को वो ठंडा करना शुरू कर देता है। और उसके साथ बाद जब जैसे जैसे वो रूम की एयर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है तो जो वो लिक्विड गैस थी वापस वेपर बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ये वेपर बनता है वो उसका फ्लो वापस कंप्रेसर की तरह एक लूप फंक्शन में वापस कंप्रेसर में जाने के लिए शुरू हो जाता है। और वो जैसे जैसे कंप्रेसर में जाता है, क्योंकि कंप्रेसर ऑन है, कंप्रेसर एक तरफ से डिस्चार्ज कर रहा है, दूसरी दूसरी तरफ से सक कर रहा है, तो वो उस गैस को सक करेगा। उससे पहले एक्यूमुलेटर लगा होता है, एक्यूमुलेटर का काम भी एक तरह से कंप्रेसर में लिक्विड ना जाए इस बात का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जो हमारा कोई गैस लिक्विड है कोई मॉइस्चर है उन चीज़ों को जो हमारे जो 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 चीज़ें कंप्रेसर को हार्म कर सकती है वो चीज़ों को फिल्टर करता है और वेपर फॉर्म में ही कंप्रेसर के अंदर गैस को जाने देता है। और यही लूप फंक्शन कंट्रोल करता है हमारे कूलिंग सिस्टम को। और साथ ही साथ इसमें इंडोर में अगर आप स्प्लिट एसी की बात करें तो इंडोर में एक पीसीबी कंट्रोल सिस्टम होता है, सर्किट्स होता है कि कब कंप्रेसर को ऑन करना है, कब कंप्रेसर को ऑफ करना है, फैन की स्पीड क्या है, सारा कुछ कंट्रोल करता है। क्योंकि हमें सिर्फ कंप्रेसर को ऑन करके छोड़ना नहीं होता, उसमें एक सेंसर भी लगा रखा होता है इवेपरेटर पे। आप देखेंगे आपने मान लीजिए अपने 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया, जैसे ही 22 पे आपका टेम्परेचर आ जाएगा, एयर का टेम्परेचर 22 पे आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो आउटडोर का पावर कट कर देता है, जिससे आपका आउटडोर कंप्रेसर बंद हो जाता है, कंप्रेसर को रेस्ट मिल जाता है और जो आपके घर के अंदर की ही हवा है वो लूप में फ्लो होती रहती है। और जैसे ही जैसे धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर ऑन हो जा बढ़ जाता है तो फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाता है थ्रू दिस सर्किट। तो ऐसा ही हमारा ये सिस्टम है जो काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसी कैसे काम करता है। तो अगले पार्ट में हम बताएंगे कि हमें एसी खरीदते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। थैंक यू।